आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में इस बार ये जो चुनावी यात्राएं हैं इन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई हुई है। चुनावी यात्राओं का जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कद बढ़ा है, इस चुनावी यात्राओं से ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो सरकार की खामियां और सरकार विपक्ष की कमियों को बताने में कामयाब सिद्ध खुद को इन यात्राओं के जरिए कर लेगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चुनावों में ये जो यात्राएं होती है ये बहुत ही अहम किरदार में होती हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव को देखकर ऐसा ही लग रहा है। चाहे सपा की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए या अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए, वो लगातार उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जाने के माध्यम को चुन रहे हैं और उन माध्यमों में चुनावी यात्राओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लग सकती है। कल चुनाव आयोग की जो एक पूरी टीम है वो राजधानी लखनऊ भी पहुंचेगी और चुनाव का हाल जानने की कोशिश करेगी राजधानी लखनऊ से कि कब चुनाव कराए जा सकते हैं, और आने वाले दिनों में कभी भी उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। उसके पहले राजनीतिक दलों की तरफ से प्रयास यही है कि एक चक्कर जनता के बीच जा करके सरकार की कमियां और सरकार का प्रयास यह है कि विपक्ष की खामियां बता दिया जाए, क्योंकि अभी जो ये दौरे हो रहे हैं इसमें कोई भी हिसाब किताब देने का कुछ भी नियम नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद नियम हो जाता है, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। इस वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ये जो यात्राएं हैं इन यात्राओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। सपा की बात करी जाए तो सपा अपना विजय रथ यात्रा निकाल रही है। 175 से ज्यादा विधानसभा की सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव कवर कर चुके हैं और जो जनसमूह उनको सड़कों पर मिल रहा है, क्योंकि यात्राओं में और चुनावी रैलियों में फर्क इतना होता है कि चुनावी रैलियां जो पहले होती थी वो दरअसल हेलीकॉप्टर से होती थी, एक जगह से दूसरी जगह नेता हेलीकॉप्टर से जाता था, चुनावी यात्रा चुनावी रैली करता था और उसके बाद वापस अपनी जगह पर आ जाता था। लेकिन चुनावी यात्राओं ने इन सबको पलट दिया है। यात्राओं में दरअसल जो नेता है वो सड़क के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहा है और उसे एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो बीच में जितनी भी जगहें पड़ती हैं उन जगहों पर वो जनता से रूबरू होता है, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करता है और सरकार या विपक्ष की विफलताएं, सरकार या विपक्ष की कमियां बताने की कोशिश करता है। तो ये फर्क है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस फर्क को देखा भी जा रहा है कि रैलियों से ज्यादा इस बार चुनावी यात्राओं को तवज्जो दी जा रही है। 175 से ज्यादा विधानसभा सीटों को अखिलेश यादव कवर कर चुके हैं। बीजेपी के सामने काउंटर करने के लिए कुछ ढूंढना जरूरी था तो बीजेपी ने अपनी जन विश्वास यात्राएं शुरू कर दी, वो भी 6-6, और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी कोनों से इसकी शुरुआत की गई, चाहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात की जाए, और सभी जगहों के जो प्रमुख नेता हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी गई, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करी जाए या फिर अन्य जिलों की बात की जाए, जहां जहां पर जो जो मजबूत है उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप लोग इस जन विश्वास यात्रा को आगे ले जाइए, जनता के बीच जाइए, अपने 5 साल का 4.5 साल का कार्यकाल जो है वो बताइए, केंद्र का कार्यकाल बताइए और विपक्ष की कमियों के बारे में भी बताइए। उसी बीच दिल्ली में ब्राह्मण वोट बैंक नाराज है या खुश है, इसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने एक बैठक बुला ली और उसमें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो सीनियर नेता हैं ब्राह्मण उनको बुलाया गया था, उनसे ये फीडबैक जानने की कोशिश की, उनसे ये पूछने की प्रयास किया गया कि क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में खुश है या नहीं है। और ये रिजल्ट जानने के बाद आज उस बैठक का दूसरा चरण भी हुआ जिसमें जेपी नड्डा के आवास पर ये सीनियर लीडर पहुंचे हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी और सपा की तरफ से कि इन चुनावी यात्राओं के जरिए उत्तर प्रदेश में एक दूसरे की कमियां खामियां बताई जाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य विपक्षी दल भी लगातार चुनावी सक्रियता दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में जिस तरह से देखा गया कि प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश आई है और वो उस हिस्से में जानने की कोशिश करती रही है जहां पर कोई भी घटना क्राइम से कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई घटी है और वहां पर जाकर के उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी करी है।
तो उस बीच प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञाएं भी जारी कर दी। उन्होंने ये कहा कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देंगे और ये भी कह दिया कि इस बार 40% महिला कैंडिडेट्स उतार करके उत्तर प्रदेश का नक्श तस्वीर सब बदल देंगे, उनके हक और हुकूक की बात क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही करती है। उसके अलावा कांग्रेस एक मैराथन यात्रा भी करने वाली थी, मैराथन करने वाली थी लड़कियों की, जिसकी अनुमति जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्हें नहीं मिली। इसकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को है। इसके अलावा हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जो चुनावी जमीन है उसे मजबूत करने में लगी हुई है। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह लगातार संगठन को मजबूत करने में, लगातार कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे उनकी चाल है। चाल धीमी क्यों है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे गठबंधन को लेकर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश में कितना अपना फोकस बनाए हुए हैं राजनीतिक दलों में, क्योंकि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा फोकस इस बार राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया है, चाहे बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की, तो पूरब का क्या माहौल है। इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं, फिर इस डिबेट को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है जैन साहब। विनोद सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह हमारे साथ, प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और सुभाषपा से दयाराम भार्गव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा, ये आप लोगों ने एक जन विश्वास यात्रा शुरू की और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से इस जनविश्वास यात्रा को शुरू किया जा रहा है, तो सपा कह रही है कि जब आपने हमारी विजय रथ यात्रा देखी तो उसी का डर था और उसी वजह से ये जनविश्वास यात्रा शुरू की गई। दूसरी चीज, आज दिल्ली में एक बैठक आप लोगों के नेताओं ने बुलवा ली कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का मूड क्या है, और ये मूड जानने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं ब्राह्मण उनको बुलवाया था और जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या कारण था। नितिन जी, पहली बात तो ये है कि जब चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, 2022 में इलेक्शन होने हैं और मुश्किल से महीने दो महीने का टाइम बचा है, और हो सकता है आचार से ये जो आदर्श आचार संहिता की आपने बात कही जी, अगले हफ्ते दो हफ्ते में आचार संहिता भी लागू हो जाए और चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा भी कर सकता है जी। तो ऐसे में सारे की सारे राजनीतिक दल भाई, चाहे कांग्रेस की प्रियंका जी हो, अभी आपने संजय जी का भी नाम लिया आम आदमी पार्टी से, और चाहे आदरणीय अखिलेश जी हो, तो सारे के सारे लोग अपने लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और चुनावी जो नफा नुकसान है उसका भी आकलन कर रहे हैं और अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं। तो ये कहना कि हमारी हमने शुरू की तब आपने शुरू की, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सपा वाले कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे थे कि ये काउंटर कर रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको, देखिए जो यात्राएं हैं या चुनावी मीटिंगें हैं ये किसी नकल नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। इस तरीके से तो हम कहेंगे कि भाई आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी उसकी नकल सारे के सारे राजनीतिक दल, बाकी सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। उसके बाद में अखिलेश जी ने भी सीखा और वो भी यात्रा निकालना शुरू कर दिया उसके बाद से, तो वो तो अलग बात है। लेकिन चाहे मीटिंगें हो, चाहे देखिए हमारी जो यात्राएं हैं, हम इसके पहले बूथ स्तर पे और एक एक बूथ में बूथों का सत्यापन भी किया, हमारे यहाँ पन्ना प्रभु भी बने, मतलब विधायक और मंत्री एक एक पन्ना प्रमुख बने हैं कि जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना है उसके प्रमुख बने, उन लोगों से संपर्क किया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा विधायक, बड़े से बड़ा नेता, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो पहले एक कार्यकर्ता है पार्टी का, उसके बाद में कुछ वो और है। अच्छा, ये बताइए, ये पन्ना ये पूछ रहा था, तो हम जो काम किए हैं, हमारा जो संपर्क है वो बूथ लेवल से है, इनकी केवल मीटिंगें हैं, हमने जब बूथ स्तर का काम पूरा कर लिया
पन्ना प्रमुख हमने बना लिया, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, तब हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, ये दो, जिसके दो, पास दो सवाल नहीं है जैन साहब, जिसके पास मजबूती नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जैन साहब, ये कह रहा था ये एक बैठक आप लोगों ने अचानक से दिल्ली में बुलवाई थी ब्राह्मण वोट बैंक जानने के लिए, और दूसरी चीज ये प्रियंका गांधी को अभी आप कह रहे थे कि प्रियंका भी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में, अभी इनकी एक मैराथन थी तो उसकी अनुमति आप लोगों ने नहीं दी क्यों भाई? नहीं देखिए, मैराथन की अनुमति दी गई थी लेकिन वो बाद में इसलिए निरस्त करनी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा। आज मैंने जो न्यूज देखी सब पे सारे टीवी चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं कि 500, 200, 300 केसेस कोरोना के आ रहे हैं, जो नए वेरिएंट के आ रहे हैं ओमिक्रॉन के आ रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन कई जगहों पे 500, 600, 700 केसेस पर डे आ रहे हैं महाराष्ट्र में अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, मतलब कोरोना की वजह से आप लोगों ने अनुमति नहीं दी है? नहीं देखिए, वो चूंकि बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी वहां पे उन्होंने, हाँ, हाँ, और उससे ज्यादा वहां पे दर्शक की इकट्ठा होने वाले थे, जो लड़कियां उसमें भाग लेती थी उनके परिवार के सारे लोग इकट्ठा थे, इन सारी चीजों को भीड़ को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम को जो अनुमति थी उसको रद्द किया गया। और कहीं पर भी जहां पर भी इस तरीके की जहां भीड़ भाड़ की मैनेजमेंट नहीं है कोई और केवल दूसरे के ऊपर लोग बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल भीड़ है, उस तरीके के किसी भी आयोजन को शासन प्रशासन, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो या किसी अन्य दल का हो या सामाजिक कार्यक्रम, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति बहुत लिमिटेड दी जा रही है। ठीक है जैन साहब, मैं आता हूँ। प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। प्रदीप जी, जैन साहब कह रहे हैं आप लोग के पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, इसलिए चुनावी यात्राएं आप लोग कर पाएंगे, जाएंगे जगह जगह। और एक चीज ये बताइए, नहीं हमें ये पहले, ये मैं ये जानना चाह रहा था, ये आप लोग कह रहे थे कि काउंटर है तो काउंटर तो नहीं है, पहले तो इन्होंने मना कर दिया। दूसरी चीज ये बताइए, आज दिल्ली क्यों बुलाए गए थे उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण नेता है, और जानने की कोशिश क्या करी जा रही है इन लोगों से? नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का फूल है, भाजपा झूठ का फूल है। मेरी अब्बा जा रही नितिन, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। मैंने कहा भाजपा एक झूठ का फूल है। अच्छा, क्यों? अभी जैन साहब ने कहा कोरोना की वजह से अनुमति हमने कैंसिल कर दी। हाँ, मैं जैन साहब को सुन रहा था और आप भी सुन रहे हो, तो क्या उसमें गलत बोल दिया? कोरोना जब जहाँ विपक्षी पार्टियों की रैली होती है वही कोरोना आता है। कल अमित शाह जी इनके गृह मंत्री कासगंज में थे, वहां कोरोना नहीं था। इनके प्रतापगढ़ में आज योगी जी थे, वहां कोरोना नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीतिक पर, अरे तो आपके लिए नहीं कह रहे हो, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। मैं, आप विपक्षी है ना भूभी, हम तो विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा जिस तरीके से दो तरह की भीड़ होती है रैलियों में नितिन जी, एक भीड़ वो होती है जब कल इनके एक एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है जो प्रधान को कह रहा आधा घंटे में भीड़ नहीं आई तो मेरा तांडव देख लेना, मेरा प्रकोप पूरा गांव झेलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी, जो आम जन का विश्वास खो चुकी है और विश्वास खोने के बाद जो जनविश्वास यात्रा निकाल रही है, उस यात्रा में जो भीड़ आ रही है नितिन जी, आपको थोड़ा एक मिनट में समझा दूं भीड़ के बारे में। हाँ जी। उस यात्रा में जो भीड़ आ रही है वो राशन कोटेदार ला रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ रहा है, शिक्षा मित्र आ रहा है, सफाई कर्मचारी आ रहा है, ब्लॉक के कर्मचारी आ रहे हैं, कॉपरेटिव के कर्मचारी आ रहे हैं, और जबरन प्रधान और कोटेदारों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रधानों को जबरन, खासकर ब्लॉक से और टीडीओ के द्वारा, कि आपको 100 आदमी लेके ही आने। अच्छा। और वो आपने उसका सबूत इन्हीं की सरकार में जो एसडीएम है जिसका वीडियो वायरल हुआ है, मैंने भी ट्वीट किया है, आपने देख लिया होगा किस तरीके से प्रधान, तो आप बुलवाए, आप बुलवाए तो सब अपने आप आ रहे हो, जैन साहब बुलवा ले तो राशन दे के बुलवा रहे। अरे हाँ जैन साहब, देखिए नितिन जी मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव जी की तुमने विजय यात्रा देखी होगी, इस सर्दी के मौसम में रात को 2-2 बजे तक अगर कोई टार्च लेके 11 बजे तक इंतजार कर रहा है तो वो बुलाई हुई भी नहीं होती। अच्छा ये बताइए, बीजेपी वाले ब्राह्मण नेता जो थे इनको दिल्ली का है बुलाया गया आज? अरे तो हिंदूवादी राजनीति करते पर जाति पे क्यों आ गए? कल इनके गृह मंत्री पिछड़ों की बात कर रहे थे कि पिछड़ों ने ये दिया, अब पिछड़े याद आने लगे, आरक्षण में पिछड़े याद नहीं आ रहे थे, नौकरियों में पिछड़े याद नहीं आ रहे थे, आज जब राजनीतिक वोट चाहिए आज ब्राह्मण याद आ गए। इन्हीं 400-500 ब्राह्मणों की हत्या कराने के बाद ये हत्यारी सरकार आज ब्राह्मण को गंगा स्नान कराएगी? ये लोग दोगले हैं। अभी आप ही जैन साहब ने कहा अब ब्राह्मण याद आ रहे हैं इनको, अब इनको बैकबल भी याद आने लगा। 4-5 साल सत्ता में रहने के बाद उन्हीं बैकबलों को लाठियों से मारा इन लोगों ने, रोस्टर प्रणाली लागू कर दी, आरक्षण नहीं दिया, नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया, बैकलॉग नहीं भरे गए। आज
नौजवान बेरोजगार हो गया, एक बैकवर्ड के नेता को जो मुख्यमंत्री बनना था उसको स्टूल पे बिठा दिया, उस बैकवर्ड के नेता की नेम प्लेट उखाड़ दी, एनएक्सी में कुर्सी नहीं रखने दी, नेम प्लेट नहीं लगाने दी, एक बैकवर्ड की बात करेंगे आज जब वोट की राजनीति में तो बैकवर्ड की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, आपको हिंदू नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हटाने का इनका मन है। मैं पूछ रहा हूँ जब इन्होंने विकास किया चार साल में, ठीक है ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है ठीक है ठीक, मैं आ रहा हूँ जैन साहब, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज, पहले कोई इंटरप्ट नहीं करेगा इसके बाद, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जैन साहब, आऊंगा आपके पास, विनोद सिंह की आवाज, ठीक है प्लीज 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 प्लीज, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में, आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, प्लीज 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 प्लीज, अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। आपकी बात पूरी हो गई प्रदीप जी, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जैन साहब, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में, आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में, आ रहा हूँ भाई जैन साहब, मैं आ रहा हूँ, समय कम है, जल्दी जल्दी सबको लेना है, ठीक है सबको ले लेते हैं, ठीक है प्लीज 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 प्लीज, आप लोग दूसरों को भी बोलने दीजिए भाई, ठीक है जैन साहब, अरे ठीक है भाई, हो गया आप लोग, हो गया, मैं आ रहा हूँ, विनोद सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विनोद जी क्यों आप लोग इतना कोविड को बढ़ावा देना चाह रहे थे और इसी वजह से आप लोग की मैराथन को मना कर दिया गया, ऐसा आपको पता चला है अभी जैन साहब कह रहे थे? देखिए जैन साहब समझदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमले इतने ज्यादा हैं कि कितना भी समझदार व्यक्ति हो उसका झूठ बेनकाब हो जाता है, सबके सामने आ जाता है। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के रैली में भीड़ जो आ जाती है, अत्यधिक भीड़ आ जाती है उसके भय की वजह से, असली बात है भारतीय जनता पार्टी उस भय की वजह से अनुमति नहीं देने का काम कर रही है, लेकिन वहीं पर इनके नेता प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो और पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके लिए कोरोना का कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता, वहां नहीं संक्रमण फैल सकता, केवल विपक्षी नेता, खासकर वो पार्टी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला मैराथन की बात करती है, महिला अधिकारियों की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वभाव से महिला विरोधी पार्टी है, तो ये कैसे सुन सकती है? इसलिए इन्होंने एजेंडा बनाया है कि किसी भी प्रकार से अड़ंगे डाले जाए, अनुमति ना दी जाए, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने मान लिया है, ये ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, इससे कितना फायदा उनको मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये केवल डैमेज कंट्रोल के लिए, रस्म अदायगी के लिए ये काम कर रहे हैं, फेस बचाने के, लेकिन आपने कहा ही किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में अंदर कोलाहल मचा है, अंतर्द्वंद है, कितनी ज्यादा सुरक्षा की भावना से ग्रस्त पार्टी है, कभी हिंदू कभी जात कभी विकास, क्या गोल सेट करना है इनको चुनाव में आने के लिए, इनको पता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ गुमराह करने की राजनीति की, जन सरोकार के मुद्दे को किनारे छोड़ते हुए केवल मनमर्जी तानाशाही असंवैधानिक कृत्य किए, तो इस प्रकार जनता में कैसे जाए? इसीलिए सही कहा एसडीएम, जिस प्रकार से सार्वजनिक कुछ घटनाएं आ जाती हैं, ये लोकतंत्र में ये संभव है क्या? खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, एक अधिकारी ग्राम प्रधान को, सम्मानित ग्राम प्रधान को किस प्रकार धमकाने का काम करता है, डराने का काम करता है, तो सारे इनके कथनी, इनकी कार्यशैली, कार्य संस्कृति सब जग जाहिर है, पूरी ग्रामवासियों से लेके ब्लॉक वासियों ने सबने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और उत्तर प्रदेश की जनता प्रतिज्ञाओं के साथ जाएगी। ठीक ठीक, दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसबीएसपी से। दयाराम जी, उत्तर प्रदेश में यात्राओं का जैन साहब, इकट्ठा आऊंगा आपके पास भाई, त्रिपाठी जैसे इकट्ठा आऊंगा मैं आपके पास, सबका लिख लीजिए जैन साहब, सबका लिख लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, अभी बहुत है भाई, अभी दो लोग और है जैन साहब, दो लोग और है, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, अरे जनता नहीं है आपके साथ, नेता भले आ जाए, नेता आप डरा के दबा के बुला लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश, ठीक है प्लीज 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 प्लीज, हमारे साथ बाकी मेहमान भी है, मैं एक एक करके फिर आऊंगा सबके पास, ठीक है प्लीज प्लीज, हो गया हो गया, ठीक है जैन साहब मैं आऊंगा, आप लिख लीजिए जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, ठीक है प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई आप लिख लीजिए जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, अभी दो लोग और बचे हुए, आपके पुराने साथी है भाई, आपके पुराने साथी है दयाराम भार्गव, आपके पुराने साथी है दयाराम भार्गव, उनसे भी तो जान ले क्या कह रहे हैं वो। दयाराम जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्राएं शुरू हो रही, तो कुछ डर वर बना अब आप लोग के अंदर कि नहीं, कि कुछ डैमेज हो जाएगा? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाई जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की 6 जन विश्वास यात्राएं शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में,
तो इससे आप लोगों को कितना डर लग रहा है, क्या बदलाव हो सकता है इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को उससे डर है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी से अगर होता तो इनकी सरकार से कैबिनेट मंत्रालय का पद छोड़ करके हम विपक्ष में क्यों आते? ये बहुत सोच समझ की बात है। देखिए, हमने कहा था नेताजी ने 27 अक्टूबर मऊ की धरती हल्दर पर जो लोगों का हुजूम देख करके जो वहां पे नारा दिया कि जब तक भाजपा का विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं स्थानीय वर्तमान में, वो अपने विधानसभा में जाते हैं तो जनता उनसे सवाल करती है, उनसे कहती है कि 2014 से पहले आप विकास विकास की बात करते थे, 2014 से लेके 7.5-8 साल होने जा रहा है केंद्र में आप, 4.5-5 साल हो गया, 90 दिन की सरकार अब रह गई, हमको बताइए विकास कहाँ है? तो विधायक कहते हैं भाई विकास जो है वो पैदा हुआ है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अच्छा। तो जनता कहती है हमें ऐसी सरकार से क्या मतलब है जो विकास दिखाई ना दे। तब जनता इनसे सवाल करती है कि आपको वोट नहीं मिलेगा, तो ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिए नहीं तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान राज आ जाएगा, मुसलमानों का बढ़ावा आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी देखते रहिए, आते आते कन्यारे तक आते हुए ये लोग हिंदू मुसलमान कराएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, जल्दी से, हमारे साथ में भागीदारी पार्टी के संकल्प मोर्चा के जो घटक दल है उनके भी सुन लीजिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रेमचंद प्रजापति जी, इसको इसको बाद में बताइएगा डिटेल से, इसको बाद में बताइएगा रामपाल जी, हाँ बता दीजिए मामला क्या है पार्टी। देखिए भाई सुने पहले, हमने किसी के बीच में नहीं, मैं कह रहा हूँ मामला बता दीजिए, नाम ना गिनाइए, समय कम है, नाम ना गिनाइए, मैं कह रहा हूँ नाम ना गिनाइए, मामला बता दीजिए। आवाज कम आ रही है, मैं आता हूँ आपके पास, आवाज थोड़ी सही करवा के आपके पास आता हूँ। विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, आवाज कम आ रही है, हाँ मैं आवाज सही करा के आपके पास आता हूँ, ठीक है। विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। विनय जी, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सत्ता दल है और मौजूदा प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ये लगातार उत्तर प्रदेश में यात्राएं कर रही हैं। आप लोगों की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया, हालांकि चुनाव में आप लोग मजबूती से आएंगे ऐसा लगातार आपके नेता कह रहे हैं, आपका संगठन दिख भी रहा है मजबूती से, लेकिन ये जो यात्राएं हो रही है इसका फायदा जो है वो बीजेपी ले जाएगी, जो 6 जनविश्वास यात्राएं हैं इनकी? और दूसरी चीज, आज बीजेपी के कुछ ब्राह्मण नेताओं को बुलाया गया था दिल्ली जानने के लिए कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का क्या फीडबैक है, तो ये क्यों बुलाया गया? क्योंकि ब्राह्मणों के मुद्दे पर लगातार आप लोगों ने भी कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवाल खड़े किए हैं, ऐसा क्या उसी वजह से? देखिए नितिन जी, जहां तक यात्राओं का सवाल है तो आप भी जानते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, फिर हमने नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, हमने अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, हमने आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, हमने लोनी में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, तो तमाम जगहों पर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं को इस तिरंगा यात्रा से इतना डर लग रहा है कि कभी आगरा में मुकदमा ठोक देते हैं, कभी लोनी में ये मुकदमा ठोक देते हैं संजय सिंह के ऊपर, क्यों? और उसके बाद फिर इनके अधिकारी आके कहते हैं नहीं वो तो गलती से हो गया, लोनी में ही तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे के अपमान करने पर जो संजय सिंह के ऊपर मुकदमा ठोका, और उसके 2 घंटे बाद इनके अधिकारी का बयान आता है नहीं वो तो गलती से हो गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जनविश्वास यात्रा की, तो आप मुझे बताइए अगर 4.5 सालों तक इन्होंने जनता के लिए एक भी काम किया होता, कोई एक ऐसी योजना चलाए होते, कोई ऐसा अस्पताल शुरू किए होते, कोई ऐसे स्कूल शुरू किए होते, कोई ऐसा एक्सप्रेसवे शुरू किए होते जिसे ये 2017 में शुरू करते और 2021 तक इसे पूरा कर देते, तो शायद इन्हें जनविश्वास यात्रा निकालने की जरूरत ना पड़ती। तो ये क्या बताने जा रहे हैं? ये बताने जा रहे हैं कि हमने जो 4.5 सालों में कभी टेट का पेपर लीक किया, कभी दरोगा भर्ती का पेपर लीक किया, कभी पेट का पेपर लीक किया, कभी बीएड का पेपर लीक किया, कभी नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक किया, आपको यकीन नहीं होगा 16 पेपर लीक हुए, 16 पेपर 4.5 सालों में। ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसके 4.5 साल के कार्यकाल में 16 पेपर लीक हुए हैं। इस देश की जो सबसे प्रतिष्ठित
एग्जामिनेशन माना जाता है, इसी सरकार में एसएससी का पेपर लीक हुआ है, इसी सरकार में यूपीपीसीएस का पेपर लीक हुआ है, और आप पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि ये ओबीसी ओबीसी की बात करते हैं। कल कासगंज में अमित शाह इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे कि ओबीसी के लिए हमने ये किया, ओबीसी के लिए हमने वो किया, और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो कि आज भी सड़कों पर पिछले 6 महीनों से लगातार लाठियां खा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके साथ इन्हें न्याय करने का काम करना चाहिए। किया तो इन्होंने 17,000 नए पदों पे बता रहे भर्ती करेंगे। नहीं, इन्होंने किया ना, इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया था, जब विपक्ष ने आवाज उठाया उसको हटाना पड़ा। इन्होंने झांसी के एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक ही जात के 20 लोगों को नियुक्ति दे दी, जब विपक्ष ने आवाज उठाया इनको हटाना पड़ा। तो ये विश्वास जताने का काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक व्यक्ति को जबरन पकड़ के लेखपाल भी बना दिया था, बाद में नेपाल भाग गया। ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमने जो आशुतोष हमने जो कुलदीप सेंगर के साथ किया, हमने जो चिन्मयानंद हमारे जो चिन्मयानंद है उनको किया, जो आपने कासगंज की घटना को जानते ही हैं, आजमगढ़ में महिला एक प्रधान दलित महिला के साथ किया हुआ उसके बारे में भी आपको पता है। तो ये अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकालने जा रहे हैं, और ये सरकार जो हिंदुवादी रहने का ढोंग पीटती है, इस सरकार के खोखले वादों का और जनता में कितना विश्वास है, इसका असर आज आपने पंजाब में देखना चालू कर दिया। पंजाब के मुंसी प्रिंसिपल इलेक्शन में इन्हें बुरी तरीके से हार मिली है, और आने वाले 5 राज्यों का जो चुनाव है, ये किसान आंदोलन, ये इनकी गुंडागर्दी, बेरोजगारों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया, ये 5 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बताने का काम करेगा कि क्या किया आपने 4.5 सालों में, और इसका अंजाम इनको भुगतने का काम करेगा। ठीक है जैन साहब, आप बताइए क्या कह रहे थे, बहुत देर से आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है कि 5 राज्यों के चुनाव का जो जिक्र हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने जो किया है, बिल्कुल 5 राज्य नाम बता देंगे कि वास्तव में किसने क्या किया है। रही बात ये कि अभी ये भी कह रहे थे कि एक भी एयरपोर्ट नहीं, और एक भी एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया ना, तो लोकार्पण किया। अभी 10,000 करोड़ रुपए उद्घाटन तो आपने बहुत किए, लोकार्पण इस बात के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। प्लीज एक मिनट, उद्घाटन आपने बहुत किया, इस बात की मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक काम बता दीजिए, जो काम आप 2017 में शुरू किया हो, 2021 में खत्म हो। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जैन साहब, सुन लीजिए। हाँ जैन साहब बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जनता है, जनता के बीच में जहां तक काम करने की बात है, और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कांग्रेस की हां में हां मिला रहे थे, कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी की हां में हां मिलाते हैं। इसका कारण ये है कि ये गठबंधन पहले से कर चुके हैं, और एक तरफ ये बुकलेट ला करके समाजवादी पार्टी को पोसते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन ये फिर कहीं ना कहीं गठबंधन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं गठबंधन की सुगबुगाहट ये फिर दिखाई दे रही है। ये सब एक हो जाए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तब भी टक्कर नहीं ले सकते योगी जी से। योगी जी ने और अभी समाजवादी पार्टी के साथी एक बात और कह रहे थे बार बार कि ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। अरे किस ब्राह्मण की हत्या करवा दी? 700 ब्राह्मण मरवा दिए, 7,000 ब्राह्मण मरवा दिए, जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करवाई, कश्मीरी ब्राह्मणों को जिन्होंने मरवाया, कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने मरवाया, उसके साथ तो ये गठबंधन किए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग लोगों ने महबूबा मुफ्ती के साथ तो नहीं किया। आप आतंकवादी सरकार, जब आप प्रधानमंत्री थे अटल जी, तब आपने आतंकवादी छोड़े, आपने महबूबा किया। अरे भाई, और कांग्रेस का जैन साहब मत बोलिए, क्यों सरकार चलाए जब क्या था भैया आपके सारे, लेकिन वो पार्टी का था, विकास दुबे तो समाजवादी पार्टी का था ना, तो उसका एनकाउंटर कैसे हो गया? तो इसको उनमें ब्राह्मण दिखाई देने लगा, मुख्तार अंसारी भी इनको मुस्लिम दिखाई देता है, अतीक अहमद भी इनको मुस्लिम दिखाई देता है। अरे अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने क्या दिखाई देता है?
अच्छा, इसीलिए अजय मिश्रा पर मार दिया, इसीलिए आपको अजय मिश्रा में भगवान दिखाई मार दिया, आपको क्या दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायकों को आप नहीं कर पाते हैं। आपके नाम पर मंडल नाम पर जमीन घोटाले कर दिए आपके डीएम ने, तमाम नेताओं ने, इस वक्त बोले थे जेल साहब। और रही महिलाओं की सम्मान की बात, महिलाओं की सम्मान की बात, उत्तर प्रदेश की प्रथम नागरिक राज्यपाल, आपके प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को तो महिलाओं की बात शोभा नहीं देती है। इन्होंने किसी की बेटी जिसको त्याग के छोड़ दिया, क्या क्या उनके बारे में बताएंगे आप? आनंद जसोदा बेन के बारे में, जसोदा बेन महिला नहीं, जसोदा बेन की बेटी नहीं है, वो महिला नहीं है क्या? हो गया प्रदीप भाई, प्रदीप भाई मैं बोलूं हाँ दयाराम जी बताइए जी, मेरी बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता का आया जैन साहब सुन लीजिए आपके साथ कुछ बोल रहे हैं। जैन साहब सुन लीजिए आपके पुराने साथी कुछ कह रहे हैं। ये केवल मन की बात करते हैं। प्रदीप भाई ठीक है, प्रदीप भाई अरे ठीक है, प्लीज मैं जसोदा बहन की मन की बात सुनना, मैं जनता की मन की। अरे ठीक है भाई, आने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, सुन लीजिए प्रदीप भाई कोरोना में देखिए जैन साहब के, सुनिए प्लीज ठीक है, मन की बात करते हैं। ठीक है भाई, प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, वन बाय वन प्लीज, मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। ठीक है देखिए सुनिए की बात, प्रदीप भाई जब अपना होता तो नाम याद रहता, नाम बदलने के बाद असली स्टेडियम का नाम दिया लैपटॉप बांटने में उन्होंने, क्योंकि दूसरे के अधिकार जमाना याद नहीं रहता है। ठीक है प्लीज हो गया स्टेडियम किसने बनाया? प्रदीप भाई हो गया, प्रदीप भाई पूर्वांचल किसने बनाया? डायरेक्टर किसने बनाई? डीजीपी ऑफिस किसने बनाया? ठीक है प्लीज प्रदीप जी हो गया काम है आपके पास, सुन लीजिए प्रदीप जी सुनिए तो अरे भाई ऐसे नहीं होता है, ऑडियो डाउन करो भाई प्रदीप जी का। प्रदीप भाई सुन लीजिए, देखिए जैन साहब के पुराने साथी है दयाराम जी, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। दयाराम जी क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए अभी हमारे साथी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में जब कार्रवाई होती है या ठोको की राजनीति चलती है तो विपक्ष को दर्द होता है। अरे आप बदमाशों का ठोकिए स्वागत करते हैं, आप उन लोगों को ठोकिए जो वाकई में जनता से परेशान लोग हैं, जनता को परेशान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बदमाशों की संरक्षण में आप बताता हूं, उनको बताइएगा। ये कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे उन्नाव के हैं, मालूम है। बिरजेश सिंह है 106 मुकदमे है, महाराष्ट्र से है। धर्मेंद्र सिंह है 46 मुकदमे है, जौनपुर से है। राधे भैया 31 मुकदमे है, प्रतापगढ़ से है। डॉक्टर मदन सिंह है भदोई से 83 मुकदमे है, अशोक चंदेल है 37 मुकदमे, हमीरपुर से है। अभय सिंह है 49 मुकदमे, फैजाबाद से है। विनीत सिंह है 34 मुकदमे, ठीक है। बुलबुल सिंह बुलाया नहीं, तमाम ये जो है संरक्षित बदमाशों की विरस्ती है, मुझे लगता है जो है भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। आप समझिए क्यों नहीं कार्रवाई करती है, ये कार्रवाई वहाँ करती है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, हिंदू मुसलमान कराना होता है, वही पे काम करते हैं। अब ये बताइए, 2014 से पहले ये रोजगार की बात करते थे, ये विकास की बात करते थे, ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, ये नौकरियां देने की बात करते थे, ये शिक्षा की बात करते थे, ये दवाई की बात करते थे, ये स्वास्थ्य की बात करते थे, ये काला बनाने की बात करते थे, 15 लाख देने की बात करते थे। माननीय योगी जी ने वहां भूत बदल किया है, कहां उतरी लोगों को जीवन करेंगे, गरीबों को घर देंगे। अरे इसमें तो आप प्रदर्शन को प्रचार करने की जो भूल है, क्यों क्यों है भाई, समझिए इसको। जो ये कह रहे हैं कि हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, इसको समझिए। अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो आज इनको जन आशीर्वाद यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 25 दिसंबर को गाजियाबाद के जो है मोदी नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी उसमें थे, मैं आपको खुद आंखों देखी बता रहा हूं, उसमें जनता नहीं थी, केवल गाड़ियां थी। साथ में
तीन चार जिलों की बसें लगाई गई थी, ये सरकारी अरे तंत्र एक का तरफ अगर आप आरोप दुरुपयोग लगाते नहीं हैं है कि तो भारतीय जनता आप ये पार्टी के लोग क्या इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे में हैं, जो काम अभी करने वाले कासगंज में में इतनी बड़ी बैठे रैली हुए की, हैं, या जो लखाओ की मनरेगा जो में थी काम करने उस पे वाले उनको कोरोना उठा के लागू नहीं लाते होता हैं, है, या जो अब आप कह रहे पार्टी हैं नहीं भीड़ नहीं है होती उनको चलो हम ठीक है प्लीज उनको हो गया उठा के लाते हैं, हमें ठीक है जानना या चाहते तो कहीं हैं भीड़ अगर होती है इन्होंने रोटी रोजगार की बात नहीं किया लागू कर रहे अभी हैं, हमारे या भाई कहीं ने कहा भीड़ नहीं होती 69,000 है, एक बात शिक्षक कही भर्ती है ना घोटाले में 22,000 पिछड़ों का हक अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया, ठीक है ठीक है उसमें ये लोग चर्चा नहीं ठीक है करते, ठीक है उसी के साथ में ये जो सरकार है आप बताइए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 60 पैसे यूनिट खरीदती है, इसको ध्यान से सुनिए इनको बताइए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार 60 पैसे यूनिट खरीदती है, उत्तर प्रदेश में गरीब जनता को ये 7.5 से 8 रुपए यूनिट देती है, क्या ये गांव गरीब किसानों के ऊपर टॉर्चर नहीं है? मैं किसी दिन बिजली पे चर्चा करूंगा, खाद के उस दिन बुलाऊंगा लीजिए जो खाद की बोरी यूरिया डाई की बोरी 50 किलो हुआ करती थी 900 रुपए में, उसमें से 5 किलो ये चुरा लेते हैं 45 किलो की बोरी करते हैं, वो बोरी जो है 1700 रुपए की हो जाती है, ये किसानों का आय दुगना करने की बात करते हैं, ठीक है ठीक है प्लीज प्लीज दयाराम जी हो गया किसानों का आय दुगना कर देंगे, ठीक है दयाराम इसकी चर्चा कौन करेगा, ठीक है दयाराम जी हो गया विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? देखिए पूरी तरीके से साफ हो गया, हर चुनाव हर पार्टियों को अपने जनता के बीच में जाने का अधिकार है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का जन सरोकार के मुद्दे की उपेक्षा रही है, जो गैर संवैधानिक कृत्य हुए, जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग केवल रैली को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है, तो उससे प्रदेश की जनता आज ही जा चुकी है पूरी तरीके से, और ये महिला विरोधी सरकार, इस महिला विरोधी सरकार को अगर कोई पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी की यह सोच की खोट का असर है कि उस कार्यक्रम को निरस्त करने का काम करती है, तो हर घर की महिलाओं ने ठाना है, माना है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इनकी मंशा सार्वजनिक हो चुकी है, केसी जैन साहब जितना भी झूठ बोल ले जितना भी वकालत कर ले, लेकिन इनका केस जनता की नजर में जनता की अदालत में पूरी तरीके से खारिज, उनको लेडीज कपड़े पहन और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता महिलाओं ने जो प्रतिज्ञाएं की है, जो महिला सशक्तिकरण महिला के भविष्य के प्रति बात हो रही है, वो हर प्रकार से भागीदारी देने की बात कर रही है, महिलाओं ने अपना मन बना लिया है, समय में कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी क्योंकि उनकी नीयत साफ है। ठीक है जैन साहब मैं आ रहा हूँ, विनय सब कुछ देखा है, विनय कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जैन साहब ने दो बातें कही, मैं दोनों बात का कम शब्दों में जवाब दे देना चाहता हूं। पहली बात इन्होंने कही कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं इनका विपक्ष के नेताओं के साथ फोटो रहता है और सुर में सुर मिलता है, ये अंदर से गठबंधन करना चाहते हैं, तो जैन साहब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका भारत पाकिस्तान के नवाज शरीफ की पाकिस्तान पीपुल लीग मुस्लिम पीपुल लीग के साथ पिछले 6 सालों से गठबंधन चल रहा है, 2016 में बिना बुलाए आप केक खाने चले जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान खाने गए थे दूसरी बात इन्होंने कहा कि अपने कामत में हमें मुस्लिम दिखता है, विकास दुबे में हमें ब्राह्मण दिखता है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह कामदेव दिखते हैं, क्या आपको ब्रजेश सिंह में महात्मा गांधी दिखते हैं, क्या आपको टेनी में भगवान दिखते हैं? अरे कम से कम कुछ शर्म करिए, जो साथ साथ छह छह किसानों और पत्रकार को कुचल कर माल डाला हो तो उसकी आप पदोन्नत कर रहे हैं, उसको आप मंत्रालय में बैठाए हुए हैं, कम से कम आपके नेताओं को शर्म के मारे अपनी नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन आप तो उसका पदोन्नत कर रहे हैं, आप मतलब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, 1 साल तक आप कहते रहे ये किसानों का काला कानून बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर उसे वापस ले लिया, अब जब आपने वापस ले लिया तो उसे आप वापस लेने के फायदे गिना रहे हैं, कब तक आप मूर्ख बनाएंगे जनता को, पिछले 4.5 साल हो गए अब मूर्ख ना बनाइए, ये जनता आपको पिछले 4.5 सालों तक इन्होंने धारा 144 लगाया है, कोई भी परीक्षा पे कोई भी परीक्षा का नौजवान जब प्रदर्शन करता था ये कहते थे भागो सड़कों से धारा 144 लगी है, किसान आंदोलन करता था लाठियों से पीटते थे कहते थे भागो यहाँ से धारा 144 लगी है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। नितिन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ
जल्दी से, आने वाले दो महीने में जो चुनाव है, ये जिस गांव में जिस घर पे जाएंगे उस घर का आदमी, उस घर की महिला, उस घर की माताएं बहने कहेंगे बीजेपी के नेताओं से यहाँ से तुरंत जाओ, मेरा दरवाजा बंद है, धारा 144 लगा है, ठीक है, चुनाव बाद आइए। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रदीप भाई आवाज मिल रही है आपको? हाँ नितिन जी आवाज मिल रही है। लास्ट कमेंट बताइए नितिन जी, अभी आपने कहा था कि ब्राह्मण नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, क्या आपने फोटो में कहीं अजय मिश्रा टेनी जो बड़े ब्राह्मण हैं देश के गृह राज्य मंत्री उनको देखा क्या? जी अजय मिश्रा टेनी उसमें नहीं थे, थे दूसरा उसमें। देश के गृह मंत्री कल कासगंज में मीटिंग कर रहे थे, चुनाव होना चाहिए स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे, विकास पर, रिपोर्ट कार्ड पे, और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 700 दंगे हुए पिछली सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं 700 दंगों की सूची जारी करे बीजेपी। दूसरा देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों ने ये दिया, पिछड़ों ने वो दिया, और उनका दूसरा जो सबसे बड़ी हादसा जो बात है कि अखिलेश यादव सरकार में आ गए तो मंदिर नहीं बनेगा। अरे यार आप मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हो, आप कहते हो विकास के नाम पे। जैन साहब आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा क्लोजिंग करने के लिए। कहां से आ गया इतना भी, और ये लोग आपके चेयरमैन की, नितिन भाई मैं बोलूं कुछ, भारतीय जनता पार्टी का नेता सच की, नितिन भाई अब अरे योगी जी ने सारे चार साल सरकार चलाई बात पर, नितिन भाई मैं बोलूं, हां बोलिए, आपने चुप रहिए, देखिए दयाराम जी कुछ कह रहे हैं। देखिए सब लोग कुछ भी कह रहे हैं, हमारे ये कुछ भी बोल रहे हैं, खुद ही नहीं पता क्या किया है, ये केवल झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, सरकार राजी करते हैं, जनता ने मन बना लिया है, एक एक करके बोलिए, ऐसे किसी की आवाज नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता एक एक करके बोलिए प्लीज, समय कम है, समय कम है, मैं आता हूँ, जैन साहब को जवाब तो ले लूँ आपके सवाल पे। जैन साहब दयाराम जी कह रहे हैं, ठीक है प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई जवाब ले ले जैन साहब से आखिरी, बस लास्ट में 40 लाख समय कम है प्रदीप भाई, समय कम है, जैन साहब से जवाब ले लेते हैं, जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। हाँ जैन साहब, जैन साहब दो चीजें, दो चीजें, दयाराम जी कह रहे हैं हम अपना विश्वास खो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने संसदीय लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है, अगर इनमें हिम्मत है तो जितने भी इनके विधायक है 325 सबको चुनाव में लड़ा दो। ठीक है प्रदीप भाई, जैन साहब क्या कह रहे हैं जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात, आज इनके 200 विधायक, ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है, 12 मंत्री जैन साहब मेरी बातों का जवाब लीजिए। हाँ मैं ले रहा हूँ, 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 ये सुरेश ये जैन साहब, जैन साहब दयाराम भार्गव कह रहे हैं कि 34 लाख पद खाली है सरकारी, आप लोग भर नहीं पाए, जैन साहब आपके पुराने साथी दयाराम भार्गव कह रहे हैं कि 34 लाख सरकारी पद खाली, आप उसे नहीं भर पाए तो जनता का भला क्या करेंगे, कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, और आपके चैनल पर मैं भी सुनूंगा पार्टी के साथी। इनका बड़बोलापन अखिलेश जी को खा जाएगा, इन्हीं जैसे लोगों का जो बड़बोलापन है वो आदरणीय अखिलेश जी को की जो राजनीति है उसको खा जाएगा इन लोगों के बड़बोलेपन की वजह से, और यही पहले भी हुआ पार्टी में जो कुछ हुआ नहीं आ रही, उसमें कमियों से ज्यादा इन लोगों का बड़बोलापन रहा, नितिन भाई इनकी आवाज अखिलेश उसको खत्म कर दिया, ये झूठ बना देते हैं काम किया होता। चलिए ठीक है, समय कम है हमारे पास, डिबेट को खत्म करना है, जनता का जनादेश है उसका सम्मान करना चाहिए, यही लोग कहते थे जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, ठीक है नेताजी का जनादेश का सम्मान, इसके लिए सरकारी तंत्र लगा देते हैं, सरकार परेशान रहती है, केरल में मोदी जी की रैली के लिए आप सरकारी तंत्र का उपयोग करेंगे, अब तो चुनाव विभाग में क्यों नहीं करेंगे, पूरा पीएम लोकतंत्र में सरकारी भाषा उत्तर प्रदेश की सारी सारी भाषा प्रधानमंत्री की रैली में लगाएंगे, यही रहेगा उत्तर प्रदेश में जनादेश की बात क्या होता है, आपने जनादेश किया है, आप जनादेश का तो झूठा नहीं है, अगर जनादेश का चलिए ठीक है, ठीक है प्लीज, आप सभी
मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में आचार संहिता जो है वो भी लग जाएगी और उसके बाद क्या मूड होगा राजनीतिक दलों का, क्योंकि अभी तो पूरा फोकस यात्राओं पर है, जनता के बीच जाने में है, लेकिन उसके बाद कौन किस करवट बैठता है और कौन सा नया तरीका ढूंढने की कोशिश की जाती है, देखना अहम होगा। लेकिन इन सबके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, उन जनता के मुद्दों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और जनता के दिमाग में भी ये बात होना जरूरी है कि इस बार किस मुद्दे पर उसे किस नेता को वोट देना है और कौन सी सरकार चुन करके अपने विकास के रास्ते को सही करना है। आज की डिबेट में इतना ही, मोदी जनमत, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।